हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ आज एक और नए कुकिंग वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रेंच फ्राइज इजीली घर पर कैसे बनाते हैं। सो गाइस, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ आलू, 1 छोटी चम्मच सॉल्ट, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। तो सबसे पहले हम अपने आलू को छिलके से अलग कर लेंगे, और छिलके से अलग करने के बाद अपने आलू को हम लोग अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सो आफ्टर वॉशिंग हम इसे अपने पोटैटोस को फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंच फ्राइज़ का जो शेप है, हमें इसे ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही ज़्यादा बहुत पतला, इसे बिल्कुल मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करनी है। इसके बाद हम एक बर्तन में 2 ग्लास वाटर डालेंगे और गैस पर रखेंगे, और उसमें अपने सॉल्ट को ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पे बॉईल करने वाली हूँ। सो आफ्टर 2 मिनट आप देख सकते हैं कि ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया, और इस स्टेज पे हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ के आलू को ऐड करेंगे और फाइनली 5 मिनट तक बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। सो आफ्टर 5 मिनट हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के जो आलू हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें वाटर से सेपरेट करके एक अलग रख लेंगे, और अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, ताकि ये हमारा आलू जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ का जो आलू वो अच्छा हल्का सा ड्राई हो जाए। सो आफ्टर 2 मिनट हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने फ्रेंच फ्राइज़ के आलू को ऐड करेंगे, और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। सो गाइस, हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि हमारा जो पोटैटो है वो हल्का सा रेड ना हो जाए। सो आप 5 मिनट बाद देख सकते हैं कि इसने कलर चेंज कर दिया, फाइनली ये रेडी है। तो मैं अब इसे ऑयल से अलग कर लूँगी। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर आवर प्लेटिंग। सो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर से अभी मैं हल्का सा चाट मसाला ऐड करूँगी, बिकॉज ये फ्रेंच फ्राइज़ को बहुत अच्छा टेस्ट देगा टैंगिनेस का। और उसमें ऊपर से इसको स्प्रिंकल करने के बाद मैं हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी थोड़ी स्पाइसीनेस के बाद लिए। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, एंड आप इसको सॉस के साथ सर्व करें। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ कमेंट गाइज कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।